हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड टुडे इज मंडे, दैट इज 18 का यार डेट मुझे नहीं पता अभी क्या है, पता नहीं। तो मैं रात के हो रहे हैं 10:30 और है कल गणेश चतुर्थी। तो आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली सेलिब्रेट। तो अभी जस्ट मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है एंड पुणे वालों को तो छुट्टी है, बैंगलोर वालों को छुट्टी नहीं है। कैसे करेंगे पता नहीं, और काम भी ज़्यादा है। सो वी कॉन अवॉइडेड, बेचारे पुणे वाले की वालों को भी छुट्टी हो के भी दे हैव टू वर्क द सेकेंड हाफ। तो ऐसे हो रहा है हमारे ऑफिस में। सो एज़ यूजुअल, सो आई सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी ऑल्सो। पेड़ मेरे कोविड के टाइम में सारे सूख है, तो ये मिट्टी साफ करके आई विल सोक दिस। सो बाई द टाइम इट गेट्स सोक्ड तो मैं इट विल बी रेडी फॉर बनाने के लिए आइडल। मैंने बाल्टी ले ली है छोटी और इसको मैं डाल रही हूँ ये। सो ये सब सिंस इट इज जस्ट फ्लावर सीड्स तो मैं उसी में मिक्स कर रही हूँ। तो मैं भिगो के जो क्या बोलते हैं उसको रूट्स हैं, ये तो वैसे टूट नहीं रहा बिकॉज काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो मैं जब गीली कर दूंगी ना तो ये थोड़ा सा रूट रूट हम अलग कर सकते हैं एंड दैट विल एक्चुअली एड अ बेस। तो एक्चुअली मैं क्या है ना, देखो मैं दिखाती हूँ मेरे मिट्टी में ये सब रूट्स वोट्स हैं। तो काफ़ी लोग तो भूसा ऐड करते हैं मिट्टी में ताकि वो बेस आ जाए। तो आई एम थिंकिंग कि इसको रहन देते हैं, नहीं तो अगर ये छोटे छोटे पीस उसको मैं भिगो के जब ये पूरा मैं तोड़ने लायक हो जाए तो ये हटा दूँगी एंड खाली मिट्टी मिट्टी से बनाऊंगी। तो मैंने अभी देखा क्योंकि मेरे जहाँ जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उसके बगल वाले फ्लैट में गणेश चतुर्थी का पंडाल लगा है शायद से, तो वो फ्लैट में ही सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तो वो पहले वाले फ्लैट की याद आ गई जब मैं बैंगलोर में आई थी, तो आई वॉज देयर इन वन फ्लैट। तो वहाँ पे दे यूज़ टू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, तो उनका फेस्टिवल होता था, 5 दिन की मूर्ति रखी जाती थी और कोई कोई फैमिली खाना बना के लेके आता था, एवरीथिंग वॉज देयर, इट वॉज़ फन। तो यहाँ पे भी आई थिंक दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। मैं दिखाती हूँ मेरे उसे मतलब लाइटिंग वाइटिंग लगा के इतना अच्छा करके रखा है, आई डोंट थिंक सो दे आई कैन गो देयर, बट यस आई विल प्रे एट माय होम। मैं बाहर से तो नहीं दिखा सकती, मैं बालकनी से दिखा सकती हूँ कि इतना लाइटिंग लगाई है मेरे उसमें से दिखता है। तो देख रही हूँ यहाँ पे सब लाइटिंग लगा के रखी है उन्होंने, ये मेरे घर का वो। सो बहुत ब्राइट हो गया है ये। सो आपने देखा ना कैसे उन्होंने लाइटिंग लगा के रखी है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली क्लिक दैट पिक, तो लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी बिकॉज एज फॉर द सोसाइटी। तो यार पाई भी अलग होती है पता है, अगर मैं अंडमान में होती ना वहाँ पे भी पंडाल लगता है। तो अभी फेस्टिवल ही फेस्टिवल की सीज़न है एंड ये हैज़ अ डिफरेंट वाइब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बट अगेन आई एम अ बिट ये चीज़ ही कहते हैं आई एम अलोन, फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ, अकेले ही कर रही हूँ एंड ऊपर से काम यार इतना है कि बैंगलोर वाले छुट्टी क्यों नहीं देते। यार फेस्टिवल सबके लिए है तो देना चाहिए ना, उनको नहीं दे रहे यार, दिस इज़ वेरी बैड। बाकी कंपनियों के लिए मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि यार तेरी छुट्टी क्यों नहीं है, मैंने बोला यार मैं क्या करूँ मेरी छुट्टी है ही नहीं, तो कैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा काम के साथ में। मुझे भूख लग रही है यार, मैं जल्दी क्या ही बना सकती हूँ, सोच रही हूँ उपमा बना लेती हूँ, बहुत इजी बन जाएगा। सो आई बी वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट्स ना 5 मिनट से कर लो, तो तब तक ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी एंड खाने लायक हो जाएगी एंड उसके साथ में वो क्योंकि बहुत सिंपल है ना, तो आई एम प्लानिंग टू हैव सम चिप्स और मैंने मंगाए थे, तो ये बूंदी जो यहाँ पे ना दे पैरेट विद खारा बूंदी बोलते हैं उसको, मतलब खारा। उपमा हो गया है तैयार और मेरे पास ये लेस पड़ा हुआ है, तो ये पूरा नहीं खत्म करूँगी, बस आधा थोड़ा सा खाऊंगी कि इसका थोड़ा सा टेस्ट इसके साथ में अच्छा लगेगा। चलिए मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगी जब मैं भगवान जी का आइडल बनाऊंगी। तो यस आई एम लिटिल लेट, ये मीटिंग ख़त्म हुई है 12 बज गए, बताओ मैं कब बनाऊंगी गणपति जी और कब क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट
या मिट्टी घुल गई है। ये कंटेनर का ढक्कन है, तो मैं इसी पे ही गणेश जी का बनाऊंगी। तो ये वाला कैसी लग रही है मूर्ति? लगी अच्छी है ना? बस इसको और मैं स्मूथ कर दूंगी तो काफी सुंदर लगेगी ये। देखिए है ना गणपति रेडी। भगवान जी का बेस रेडी हो गया है, मूषक जी रेडी हो गए हैं। मूषक जी के अभी मैं वो बना दूंगी, क्या कहते हैं, आँख बना दूंगी। और जो भगवान जी कृष्ण जन्माष्टमी में ये बचे थे, तो मैं वो क्या बोलते हैं, वो मोतियों की माला, वो मैं इनको पहना दूंगी, तो ताकि इनकी ये थोड़ा सा अच्छे से हो फिनिशिंग। ये सब मालाएं रखी थी तो मैं सोच रही हूँ भगवान जी की ये लगा देती हूँ, तो ये सुंदर हो जाएगी बहुत अच्छी सी। तो लगाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे रात में काफ़ी लेट हो गया सोते हैं, मैं 3 बजे सोई, फिर आई गॉट अप अर्ली अराउंड 8:30। नाउ इट्स अ टाइम लाइक 8:45। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जल्दी जल्दी किचन साफ़ करूँ, क्योंकि मैं रात में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और साइड बाय साइड चने उबालने रख देती हूँ, जो सुंदरल मैं बोल रही थी, तो वो बना दूँगी। आई हैव अ मीटिंग एट 10 एंड वो कंटिन्यू होगी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। हाफ एन आवर बोला है, फिर उसके बाद में हाफ एन आवर और कनेक्ट करना है लोगों के साथ में केटी देने के लिए। तो आज इट्स गोना बी बिजी डे। टाइमिंग इन्होंने दे रखी है 11 से 1 बजे। पापा अगर चाहेंगे तो उस टाइम में पूजा हो जाएगी पापा की। तो मेरे पास अभी सामान भी नहीं है, तो आई हैव टू एक्चुअली गो आउट एंड बाई। बट मुझे अभी डाउट लग रहा है कि इफ़ आई स्टेप आउट नाउ तो मुझे टाइम हो जाएगा एंड देन आई विल मिस दैट मीटिंग। तो और ऊपर से करंट नहीं है यार। मैं जैसे कैसे झाड़ू लगाया, अभी मैं पोछा लगाऊंगी, मैं रंगोली बनाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट द डे। वर्किंग लेडीज़ का यही होता है यार, अगर फैमिली के साथ होता है ना कोई हेल्प कर देता है, सब कुछ हो जाता है। एंड उसमें भी ना लोग मेरे को, मैं अभी कितने लड़कों से मिल रही हूँ तो लड़के क्या बोलते हैं पता है, कि आप अकेले काम करते हो, ये करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो, तो वाई डोंट यू गेट अ मेड फॉर योर सेल्फ। यार मेड रखने से क्या है, मैं अकेली रहती हूँ अब यहाँ पे, जनरली मेड मैं क्या करूँ, क्या क्या देखूँ उनके पीछे भी मेरे को फिर लगना पड़ेगा, वो अलग टेंशन रहता है, तो आई कान डू दैट। एंड फिर खाने पीने का भी, जनरली यहाँ पे कुक जो होती हैं, जब मेल कुक होते हैं, फीमेल कुक्स भी होती हैं, बट आई डेंट फाइंड इन माई एरिया बहुत कम है। एंड उनके नहीं तो नेपाली होते हैं, तो मैं क्या है, मेरे को उन्होंने फेस्टिवल के टाइम में ही लाइट कट कर दी है। एंड इट्स अगेन डिफिकल्ट यार, सुबह सुबह चाहिए होता है लाइट, और पर से उन्होंने जनरेटर भी बंद कर दिया है, ये अलग चीज़ होती है। मेरे को ये बहुत बेकार लगता है यार, बहुत ज़्यादा। अब मेरा घर तो वैसे ही अंधेरा अंधेरा सा रहता है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। देखो कुछ दिखाई दे रहा है, आई डाउट वेदर मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं। ये दो चीज़ चॉक पीस होती हैं,
तो मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ओ मैं इसमें ही उलझ गई, अपने ये हैंगिंग है ना इसमें ही उलझ गई। तो ये चॉक पीस है, तो इससे क्या है, लास्ट टाइम मैंने टाइल्स पे चॉक पीस से ट्राई किया था तो वो नहीं हुआ था, तो आई गॉट दिस फ्रॉम मलेश्वरम। तो देखते हैं, मैं नहा के तो आ गई, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, 12:30 हो गया। मैं बीच में मीटिंग मीटिंग कर रही थी यार आज, मैं क्या बताऊँ, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। काम ज़्यादा है, पूजा भी करनी है, आस्था सबकी है। मुझे ना सीरियसली ऐसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आज के ना वर्क लाइफ बैलेंस पे तो बैंड बजा हुआ है। सीरियसली आई एम नॉट लाइकिंग इट। जब मैं दिखाती हूँ, इसे मूड थोड़ा ऑफ है, और जल्दी जल्दी गणेशा का पूजा करते हैं, जैसे तैसे मैं कर रही हूँ। मैं धूमधाम से करती, बहुत अच्छे से डेकोरेशन करती, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मैंने हलवा बना दिया है, वो बॉयल हो रहा है, मतलब वो बन रहा है, और मैंने चने बना दिए थे, चने वो सूखे चने लेके सूखे चने कर दिए थे, और यहाँ पे मेरा हलवा कर दिया। और मेरा यहाँ पे मैं साइड बाई साइड काम कर रही हूँ क्योंकि रिलीज चल रहा है। ये सब मैं लेके आ गई थी, मुझे दूरबा मिल गई, और आपको पता है दूरबा हमारे यहाँ पे फ्री में मिलता है, और ये दूरबा कितने की मिली पता है, ये 20 रुपये का मिला, और ये 50 रुपये की माला है। कैन यू इमेजिन, ये हमारे रोड साइड में कितने खड़े रहते हैं आंकड़े के पेड़, और आम के पत्ते भी 50 रुपये के। कैन यू इमेजिन, ये बैंगलोर वालों के हाल है। और मैं फ्लावर्स मेरे पहले के रखे हुए थे, और मैं एक और लेके आ गई थी, और ये गणपति जी, अरे मैं अभी नहीं दिखाना चाह रही हूँ, तो मैंने डेकोरेशन ऐसे किया है, फिर मैं रिवील करूँगी, ठीक है, पेशेंस। मोरिया, हो गई मेरी पूजा कंप्लीट, और बस मैं, आपने देखा ना मैंने कैसी पूजा करी, बस ऐसी सिंपल से करी है। मन में श्रद्धा हो तो भगवान खुश हो जाते हैं, कम चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। मुझे आज मैं मार्केट गई, मुझे इतना कुछ मिला नहीं, मैंने हलवा बनाया, मैंने सोचा कि घर का ही स्वीट होना चाहिए, बाहर का स्वीट होने से अच्छा है कि ना मैं घर पे बनाती हूँ। तो मैंने हलवा बनाया था, फिर चने बनाए थे, तो भगवान को भोग लगा दिया, अब मैं अपनी अपने आप को भोग लगाऊंगी, भूख बहुत लग रही है, 2 बज गए हैं, मैं अभी अपना फास्ट तोड़ूंगी। यस, तो बताइएगा ज़रूर कि मेरे गणपति पप्पा कैसे लग रहे हैं, सबको तो बहुत क्यूट लगे, होप आप लोग को भी बहुत क्यूट लगे हैं। गणपति पापा आप लोग को बहुत खुशियाँ दे, सब काम आप लोग के पूरे हों, यही दुआ करती हूँ। बाय।